ये पूरा गांव वाले और तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग, गायत्री परिवार, बजरंग दल और ग्रामीण लोग, बाकायदा पुलिस की ड्यूटी लगती हर रविवार को और यहां पे धर्मांतरण का कार्य चलता है प्रार्थना सभा की आड़ में। और सभी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने वाला हूं, आप देखकर हैरान होने वाले किस तरीके से कुछ विरोधी लोग, पहले तो उन्होंने चर्च के बाहर धरना प्रदर्शन किया और बहुत सी ऐसी हरकतें की जो मुझे नहीं लगता है कि करनी चाहिए। पहले तो इन्होंने ये सब किया, उसके बाद में ये लोग चर्च के अंदर घुसते हैं और फिर विश्वासियों के साथ ये ना जाने कैसी कैसी हरकत करते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने लाठी और डंडों के साथ महिलाओं के ऊपर भी हाथ उठाया। और जब ये लोग ऐसा कर रहे थे तो वहाँ पर मसीह लोग जो हमेशा से चुप रहते हैं, उन्होंने आज इस समय चुप रहना नहीं ठाना और वहाँ की महिलाएं उन्होंने सामना किया। और जब ऐसा किया तो ये जो विरोधी लोग थे चर्च से भागते हुए दिखाई दिए। मैं दोस्तों आप लोगों के सामने ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखकर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। क्योंकि जैसा कि हम इस जगह में देखते हैं, बहुत सा विरोध यूपी के साइड में हमें देखने को मिलता है। हर दिन बजरंग दल वाले लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं और जो चर्च गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव है उन चर्चों के ऊपर भी ये लोग विरोध करते हैं। बाकायदा आप इस वीडियो में देख सकते हो किस तरीके से वहाँ पुलिस भी थी, लेकिन उस पुलिस ने यहाँ पे कुछ भी कार्रवाई नहीं की और कुछ भी उन्होंने नहीं किया। दोस्तों, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। मैं उस वीडियो को आप लोगों के सामने प्ले करने जा रहा हूँ। आइए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। हाँ, चर्च लगी हुई है, अंदर में 100-150 संख्या में लोग बाग हैं। ये पूरा गांव वाले और तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग, गायत्री परिवार, बजरंग दल और ग्रामीण लोग, बाकायदा पुलिस की ड्यूटी लगती हर रविवार को और यहाँ पे धर्मांतरण का कार्य चलता है प्रार्थना सभा की आड़ में। अभी तो जीवन भर जीता और अंत में जाता तक आगे थे राम नाम सत्य है, राम से बड़े कोई सत्य ही नहीं है। एक बार मैं आगा हूँ, दूसरैया आप मन दो रहा हूँ जी। हाँ, मैं चुप हूँ तो तुम लाऊ दीदी तो सब भाई मना जाएंगे राम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक जरूर देखा और आपने देखा किस तरीके से जब ये मसीह लोग चर्च के अंदर घुस जाते हैं, चर्च के अंदर घुसने के बाद में ये लोग पहले तो चर्च के अंदर खड़े रहते हैं और खड़े होने के बाद में जब चर्च के विश्वासियों को पता चलता है कि ये लोग हमारा विरोध करने के लिए आए तो वो लोग सतर्क हो जाते हैं। और जैसे ये लोग सतर्क होते हैं, ये जो एक व्यक्ति इस वीडियो में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इस व्यक्ति ने चर्च के अंदर घुसकर महिलाओं के ऊपर लाठी चलाई और इसके साथ साथ वहां पर एक ऐसा चुपचाप एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उस व्यक्ति के ऊपर भी उन्होंने लाठी चलाई। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से ये व्यक्ति हरकतें कर रहा है। देखिए, हम हमेशा से देखते हैं हमारे देश भारत के अंदर हमेशा से जाति धर्म और एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाया जाता है, लेकिन जब आती है मसीहत की, प्रभु यीशु मसीह की बात आती है तो जहाँ पर हम पूरी तरीके से अप्रूव होते हैं, चर्च गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होती है, फिर भी ये लोग विरोध करते हैं और तरह तरह की ये अपनी युक्तियाँ लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर पर मैं और आप विश्वास करते हैं, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण सताए जाते हो। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा है कि तुम धन्य हो जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हो। जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताव होता है तो हमें उस समय नम्र और दीन होकर और किसी के साथ अगर हम भी वैसा ही व्यवहार उन लोगों के साथ करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम में और उनमें कोई फ़र्क है। बाइबल हमें प्रेम करना सिखाती है। उसने कहा, तुम्हारे सताने वालों के लिए तुम प्रार्थना करो, जो तुम्हारा विरोध
करते हैं, तुम उनके लिए भी प्रार्थना करो। और कहीं ना कहीं हम ऐसे हालात में ऐसी बातों में चूक जाते हैं, और जब हमारा विरोध होता है, सताव होता है, तो हम भी वैसे ही रिएक्ट करने लग जाते हैं। हम संसार में देखते हैं हर एक धर्म के जाति के लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम भी अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम में और उनमें कोई भी फर्क नहीं रह जाता है। देखिए, हम एक विश्वासी हैं और जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास हमारे कामों से दिखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हमें दूसरों के साथ जब हमारे ऊपर विरोध आ, हमें डिफेंस करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम भी वैसा ही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाइबल की ओर से बिब्लिकल नहीं है। आप और मैं बाइबल के अंदर देखते हैं कि किस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ने वाले आए थे, तो वहाँ पर पतरस गुस्से में आकर उसने एक सिपाही का कान काट दिया था, और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने प्रेम को दिखाया है, प्रकट किया है, और उसने बताया कि मैं ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ। उसने उस व्यक्ति के कान को उठाकर तुरंत यीशु मसीह ने जोड़ दिया और पतरस को कहा कि अपनी तलवार को म्यान में रखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लेकिन अगर हम भी इन विरोधियों का ऐसे ही सामना करेंगे तो कभी भी ये लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं जान सकते, कभी भी ये लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं फिर सकते, क्योंकि ये भी जान लेंगे, उनके मन में एक ही बात होगी कि जैसे और धर्म के जात के लोग हैं और जैसा करते हैं वैसा ये भी तो कर रहे हैं, क्योंकि हम ना तो किसी धर्म के ना तो किसी जात के व्यक्ति हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें अलग करता है सब जातों से, सब धर्मों से, सब रीति रिवाजों से। परमेश्वर ने हमें अलग किया है, और हमें ये देखना भी है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अलग किया है तो हम अलग बनकर भी रहें। लेकिन अगर जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा, हमें बिल्कुल डिफेंस करना चाहिए, हमें हम पे कोई अटैक कर रहा है तो हमें बचाव करना चाहिए, लेकिन हम सामने वाले के साथ अगर वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जो प्रेम का है, जो क्षमा करने वाला है, जो दीन करने वाला है, जो माफ़ करने वाला है, वो ऐसा आत्मा हमारे अंदर नहीं है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो में क्या कहना है, आपका इस वीडियो के प्रति क्या राय है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैंने पिछले दिनों में बहुत से ऐसे वीडियोज इस चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, बहुत आप लोगों ने सपोर्ट किया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि ये वीडियो और भी मसीह लोगों के पास में पहुँच पाए, लोग जान सकें कि हमारा प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है करना, वो प्रेम ऐसे एक दूसरे का विरोध करके, एक दूसरे से लड़के झगड़ के नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करने से, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दिखाने से प्रकट होगा, वो लड़ने झगड़ने से प्रकट नहीं होने वाला है। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। एंड अगर आप लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह किसी के धर्म को, किसी की जात को और किसी के रीति रिवाजों को बदलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन जब हम सत्य को जान लेते हैं तब हम इन चीज़ों से स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, और हमें पता चल जाता है कि इस संसार के अंदर सिर्फ एक ही धर्म है और वो है धार्मिकता और कुछ भी नहीं, और एक ही दो ही जाति हैं, वो है आदमी और औरत, और कोई धर्म और जात परमेश्वर ने नहीं बनाया है। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में अपनी राय को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी लिखना ना भूलिएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।